प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया, 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1500 रुपए, लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिवाली की रात ग्राम पंचायत प्लयूर में आग ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर तबाह हो गई है। दिवाली की देर रात ग्राम पंचायत प्लयूर के केरल गाँव में शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी की घटना घट गई, जिसमें 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अचानक आधी रात करीब 12 बजे एक दुकान में से धुएं का गुबार उठा और देखते ही देखते एक एक कर 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। उठती लपटे देख उसी समय आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। जब तक अग्निशमन कर्मचारी पहुंचे तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये दुकानें बशीर मोहम्मद की थी। 2 दुकानों में किराएदार थे, जबकि एक में खुद बशीर मोहम्मद कपड़े का कारोबार करता था, जबकि अन्य 2 दुकानों में से एक में मनियारी जबकि दूसरी में मोटरसाइकिल रिपेयर का काम होता था। घटना में सभी का सारा सामान जल गया है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायत प्रधान ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत देते हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। आज रात को ग्राम पंचायत प्लयूर सरडा में एक भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें बशीर पुत्र गीकी, गुलजार बानो पत्नी मोहम्मद रफीक और मनोहर लाल की दुकानें जलकर राख हो गई है। इसमें रखा हुआ सारा सामान जिसकी कीमत अंदाजन 30 लाख के करीब है, वो सब जलकर के राख हो गया है। रात को 12:30 बजे के करीब जो है वो आग लगी किन्हीं अज्ञात कारणों के कारण, और जब तक स्थानीय लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता तब तक आग जो है वो भयंकर रूप ले चुकी थी। तो स्थानीय लोगों ने जैसे ही आग को देखा तो अग्निशमन विभाग को फ़ोन किया। अग्निशमन विभाग की टीम जो है रात के 1:30 बजे के करीब, 1:45 बजे के करीब वहां पे पहुंची घटनास्थल पे, और उन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद 3 बजे तक जो है मेहनत करके आग को जो कंट्रोल किया, लेकिन तब तक जो है दुकानों में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इसमें बशीर पुत्र गीकी जो है जिसकी दुकान, जिसने अपना सामान कपड़ा, जूते और स्कूल के बैग्स वगैरह ये सामान रखा हुआ था, गुलजार बानो जिसने लेडीज़ का सामान, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो है मनियारी का सामान रखा हुआ था, और मनोहर कुमार जो है उसने, वो मोटर मैकेनिक का काम करता था और उसने वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे हुए थे, एक स्कूटी भी थी जो जल करके राख हो गई है। तो मौके पर जो है हमने सुबह राजस्व विभाग को भी सूचित किया, पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया घटना के बारे में, और स्थानीय विधायक श्री नीर जी को भी सूचित किया। तो उन्होंने जो है मौके का आके दौरा किया और अपने साथ SDM चंबा को भी साथ लेकर के आए और ये आश्वासन दिया कि जल्द ही जो पीड़ित परिवार है
जो भी तीन दुकान के जो मालिक थे जिनका सामान जल कर आकर उनका जो है वो तुरंत एक असेसमेंट करके कितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उनका फौरी राहत भी उनको दी जाएगी और उनके सामान का आकलन करके जो भी उनका मुआवजा बनेगा वो भी दे दिया जाएगा। तो हम यही गुजारिश करते हैं स्थानीय विधायक से और प्रशासन से कि इन परिवारों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद की जाए। धन्यवाद, जय हिंद। बीती रात जो है वो हमारी ग्राम पंचायत पलियोर में एक आगजनी की घटना हुई है जिसमें लाखों की जो है वो संपत्ति जलकर राख हो गई है और रात को फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंच गई थी आग पर काबू पाने के लिए और ग्राम पंचायत पलियोर के बशीर सरन और सुपुत्र गिक्की जो वहां के स्थायी निवासी हैं उनकी तीन दुकानें जो है वो जलकर राख हो गई हैं जिनमें दो कपड़ों की दुकानें थी और एक मोटर मैकेनिक की। तो लाखों का जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। आगजनी की घटना का भी पता नहीं चल पाया है। तो मैं प्रशासन से और यही मांग करता हूं कि जो जो प्रभावित है बशीर उसको जो है वो फौरी राहत और जो है जो भी हो सके सरकार की तरफ से वो जो है उसको मदद की जाए और मौके पर जो है वो एसएम चंबा और सदर विधायक नीरज नेर भी पहुंचे। उन्होंने भी प्रभावित जो है व्यक्ति हैं बशीर जी उनको हर संभव मदद करने की जो है वो उन्होंने बात कही है। तो इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक तरफ से जो भी है वो मदद जो है वो की जाए। वहीं दूसरी ओर चंबा सदर से विधायक नीरज अय्यर ने भी आगजनी की इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द राहत मिले, जिसके लिए उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं। पंजाब की स्त्री टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।